नमस्ते बच्चों, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को जानने से पहले इस वीडियो लेसन में हम ये जानेंगे कि मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करी, किस तरह से उन्होंने अपने प्रयोगों को कंडक्ट किया। ठीक है, तो मेंडल की संकरण तकनीक, ये हमारे इस वीडियो लेसन का टॉपिक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर, मेंडल ने पौधों का चयन बहुत ही ध्यान से किया। ठीक है, तो क्रॉस कराने के लिए, संकरण कराने के लिए जो भी वांछित गुण मेंडल को चाहिए थे कि भाई ये दो गुण है, ये दो गुण एक पौधे के अंदर आ जाए, ठीक है, तो ऐसे दो पौधों का उन्होंने चयन किया। सबसे पहला पॉइंट है पादप का चयन। यहाँ पर बच्चों, मैं जो आपको डायग्राम दिखी, चित्र दिखा रही हूँ, ये मटर का पौधा नहीं है, ठीक है, ये गुड़हल का पौधा है, क्योंकि मेरे गार्डन में अभी यही अवेलेबल था। इसलिए मैं आपको तकनीक समझाने के लिए, प्रक्रिया समझाने के लिए उदाहरण के रूप में ये चित्र दिखा रही हूँ। ठीक है, तो पहला काम क्या करा मेंडल ने कि जो भी लक्षण थे वांछित, जो उसको एक पौधे के अंदर चाहिए थे, उन्होंने ऐसे गुणों को लेकर, पौधों को लेकर उनका चयन किया और उनका क्रॉस करा दिया। सेकेंड पॉइंट, ईमैस्कुलेशन या विपुंसन। यहां पर क्या किया जाता है, क्योंकि मटर का पौधा था द्विलिंगी, उसमें एक ही पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र भी उपस्थित है और वर्तिकाग्र क्या, स्त्री केसर भी उपस्थित है और पुंकेसर भी उपस्थित है। तो मेंडल ने क्या किया, ये देखो, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये तो इसके वर्तिकाग्र दिख रही है आपको स्त्री केसर की, और ये देखो बहुत सारे छोटे छोटे पुंकेसर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पुंकेसर जो है यहाँ से परागकण निकलेंगे और इस वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं स्वपरागण। तो स्वपरागण को रोकना है, तो स्वपरागण को रोकने के लिए मेंडल ने क्या किया कि इस पुष्प में से ये पुंकेसर हटा दिए। कब हटाए, पुष्प खिलने से पहले, जब वो कली अवस्था में है तभी उसको खोला, कली को खोला और उसमें से पुंकेसर को हटा दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से ये देखो, ये यहां से पुंकेसर को मैंने रिमूव कर दिया है और ये आपको इसका टिप दिखाई दे रहा है स्त्री केसर का, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके स्वपरागण को रोक दिया। अगला देखो, अब वांछित गुण वाले पादप के पराग कणों को, ये जो हमने बंध पुष्प तैयार किया है, बंध मतलब बंध या बधिया पुष्प कहते हैं, जिसमें से पुंकेसर हटा दिए, तो इस पुष्प के ऊपर, पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर हमने क्या किया, पुंकेसर को छिड़क दिया, पराग कणों को छिड़क दिया। कौन से पराग कण, जो भी वांछित गुण वाला हम दूसरा पौधा लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से छिड़काव कर लिया, तो देखो ये वर्तिकाग्र के ऊपर आपको पराग कण पड़े हुए दिखाई देंगे। अब अगला स्टेप किया बैगिंग। बैगिंग मतलब थैली बांधना। अब ये जो हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया है, संकरण कराया है, अब इसके ऊपर कोई दूसरे पराग कण नहीं आ जाए, किसी दूसरे पौधा के, किसी दूसरे पुष्प के, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर एक बैग लगा दिया, एक थैली लगा दी और उसको बंद कर दिया। ठीक है, अब इस प्रक्रिया से हमने ये निश्चित कर लिया मेंडल ने कि भाई जो पराग कण मैंने डाले हैं उन्हीं के द्वारा निषेचन होगा और उसी के गुण इस पौधे के अंदर, जो बीज बनेंगे उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये थी संकरण की तकनीक। अब मेंडल ने जो संकरण के प्रयोग किए, उसमें उसने दो तरह के संकरण किए। पहला कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने एक गुण के विपरीत लक्षणों को लिया। ठीक है, तो विपरीत लक्षणों का एक युग्म लिया और उसके बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। जैसे हम एक उदाहरण ले, लंबाई है ना, लंबाई के लिए दो लक्षण हैं। ये जो हमें यहां दिख रहा है, ये दिख रहा है लंबा पौधा, ये लंबे पौधे के जीन एलील्स है, और लंबाई का दूसरा लक्षण है बौनापन, और ये जो है हमारे बौने पौधे के जीन एलील्स है। तो एक गुण लिया, उसके जो विपरीत लक्षण हैं और उन विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया, तो ये कहलाता है एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद में जो मेंडल को अनुपात मिला है ना, वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड रेशियो। ठीक है, एकल संकर संकरण अनुपात।
उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम संकरण की दूसरी विधि की बात करते हैं, द्वि संकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहां पर क्या किया, यहां पर दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण कराया गया। तो दो जोड़ी का मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल देती हूं। जैसे बीज लिए उसने राउंड यानी कि गोल बीज, और उसके साथ में जो बीज का रंग था वो था पीला येलो। तो ये दो लक्षण हो गए, है ना। अब इसका क्रॉस कराया, इसका क्रॉस कराया तो राउंड की जगह दूसरी तरफ जो लक्षण था वो था रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार बीज, और जो बीज का रंग था वो था हरा यानी कि ग्रीन। तो ये देखो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिए और उनके बीच में क्रॉस कराया और वंशागति का अध्ययन किया। तो ये कहलाता है बच्चों डाई, डाई मतलब दो, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह से मेंडल ने बिल्कुल नियंत्रित रूप से परागण कराया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए और डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, यानी कि एक लक्षण का अध्ययन करने के लिए, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए, या दो की वंशागति का अध्ययन करने के लिए। इसके आगे देखो, तो इस तरह से जनक पौधे में संकरण हो गया। अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में संकरण के फलस्वरूप हमें बहुत सारे बीज मिलेंगे और हम जब इन बीजों को बोएंगे, ठीक है, जमीन के अंदर बोएंगे, तो हमें जो पौधे मिलेंगे वो पौधे कहलाते हैं प्रथम संतति पीढ़ी या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और इसको F1 संतति भी कहा जाता है। ठीक है, तो बीजों को बोया और यहां पर हमें बहुत सारे फील्ड के अंदर मटर के पौधे मिल गए। ठीक है, तो ऐसे पूरा फील्ड हमें मटर के पौधों का मिल गया। अब ये जो पूरा फील्ड मटर के पौधों का तैयार हुआ है, ये है हमारी F1 जनरेशन। अब प्रयोगों को आगे बढ़ाते हुए मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन के जो पौधे थे इनके बीच में उसने स्वनिषेचन या स्वपरागण होने दिया। तो F1 जनरेशन में क्या करा, स्वपरागण, और स्वपरागण के बाद में वापस बीज बनेंगे, ये खूब सारे बीज बन गए, और इन बीजों को जब बोया जाएगा तो हमें जो संतति मिलेगी वो होगी F2 संतति। ठीक है, F1 यानी कि प्रथम संतति, F2 यानी कि द्वितीय संतति पीढ़ी। ठीक है, तो इस तरह से F2 पीढ़ी तक उसने अपने प्रयोगों को चलाया, और उसके प्रयोगों को जो ये F2 संतति तक चलाया उसका उसने प्रेक्षण लिया, ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्वेशन कैसे करी, देखो उसने खेत के अंदर जितने भी पौधे हैं, ये यहाँ फील्ड में उसके जितने भी पौधे हैं, उसके लक्षणों को देखा, एक एक पौधे के लक्षण को देखा और अपना ऑब्जर्वेशन को नोट किया। नोट करने में क्या चीज ध्यान रखी, उसने वास्तव में गिनती करी पौधों की। जैसे अगर वो लंबाई को लेकर चल रहा है तो लंबे पौधे कितने हैं, बौने पौधे कितने हैं, इसकी उसने यहाँ पर कैलकुलेशन करी, गणना करी, गिनती करी, गिनती करके पूरा अपना रिकॉर्ड या डाटा मेंटेन किया। उसके बाद में उसने क्या किया, जो भी उसको आंकड़े मिले उन आंकड़ों का गणितीय और सांख्यिकीय, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकीय, इन गणितीय और सांख्यिकीय के नियम लगाते हुए उसने उन सारे आंकड़ों का विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के साथ उसने उसको परिभाषित किया नियमों के रूप में। तो नियमों के रूप में परिभाषित करके मेंडल ने हमें तीन नियम दिए। पहला नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जो दोनों नियम थे, पहला और दूसरा, ये दोनों नियम उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर निकाले थे, एक संकर संकरण के प्रयोगों के आधार पर निकाले थे। ठीक है, तो ये पहला नियम तो उसको F1 जनरेशन से निकाला, और जो दूसरा नियम था वो उसने जब F2 जनरेशन प्राप्त करी ये वाली, तब उसने दूसरे नियम का प्रतिपादन किया।
ठीक है। और जो तीसरा नियम दिया स्वतंत्र अपजीवन का नियम, इस नियम को उसने डायहाइब्रिड क्रॉस जब कराया था द्विसंकर संकरण, तो इसके आधार पर उसने अपना तीसरा नियम दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मेंडल ने बहुत ही कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कराते हुए अपने ऑब्जर्वेशन और डाटा को कलेक्ट किया और नियमों को प्रतिपादित किया। इतने व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले मेंडल ने ही यह कार्य किया था और आनुवंशिकता के नियम भी उन्होंने सबसे पहले दिए थे, इसलिए हम उनको आनुवंशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ओके, अब ये जो तीनों नियम है मेंडल के आनुवंशिकता के, इन नियमों की एक एक नियम की डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके बाय।